गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट हमारा जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है, दैट इज़ डैश की इज़ यूज टू मूव द कर्सर इन द ज्वाइनिंग सेल ऑफ ए टेबल। तो इसका आंसर आएगा टैब। टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर मीन्स जो टेबल होता है उसके दो सेल्स हैं, अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होना है तो कौन सी की यूज़ होती है? टैब। इसका आंसर टैब आएगा, सी पॉइंट। देन सेकेंड क्वेश्चन इज़ टेबल बटन इज़ प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। टेबल बटन किस टैब पर होता है? इंसर्ट। हमने ऊपर पढ़ा है, जब हमने एक्सरसाइज जब हमने लेसन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते थे तो वहाँ टेबल की ऑप्शन आती थी, तो इसका आंसर इंसर्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन, वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ ए कॉलम बाय सिलेक्टिंग द डैश बटन इन द टेबल ग्रुप। इसका आंसर आएगा प्रॉपर्टीज़। जो कॉलम की विड्थ अगर हम बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो हम टेबल ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आंसर आएगा सी पॉइंट। देन फोर्थ क्वेश्चन, डैश कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी सेंड टू ऑल द रेसिपियंट्स। जो मेल मर्ज में हम टेक्स्ट सेंड करते हैं रेसिपियंट को, वो किस में होता है? आप सबको पता है, डाटा सोर्स में। तो इसका आंसर आएगा ए, डाटा सोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट किस में होती है? मेलिंग लिस्ट भी डाटा सोर्स में ही होती है, तो इसका भी आंसर ए आएगा, डाटा सोर्स। नाउ कम टू ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, प्रेस शिफ्ट प्लस टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। अगर आपने दूसरे सेल में जाना है तो क्या प्रेस करते हैं? शिफ्ट प्लस टैब की। इसका आंसर है ट्रू, ठीक है ये। देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज कॉल्ड ए सेल। ये भी ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा कि जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है सेल। देन डाटा सोर्स कंटेन द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू ऑल द रेसिपियंट्स। डाटा सोर्स में टेक्स्ट होता है जो हम रेसिपियंट्स को सेंड करते हैं, नहीं ये गलत है, वो मेन्स डॉक्यूमेंट में होता है जो टेक्स्ट होता है। तो इसका ट्रू फॉल्स आएगा, फॉल्स। थर्ड का आएगा फॉल्स। देन फोर्थ, स्प्लिट सेल ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन द टेबल ग्रुप। ये भी गलत है, जो स्प्लिट सेल ऑप्शन होती है वो मर्ज ग्रुप में होती है, तो ये भी फॉल्स है। देन सेल्स कैन नॉट बी मर्ज इन ए टेबल। गलत है, हमने ऑप्शन पढ़ी थी कि अगर हमने दो सेल्स को तीन सेल्स को अगर हमने मर्ज करना है, इकट्ठे करना है तो हम कर सकते हैं टेबल में, तो ये फॉल्स है। तो पहले दो ट्रू हैं और तीन लास्ट वाले फॉल्स हैं। नाउ कम टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द वन मेथड बाय विच यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन द डॉक्यूमेंट। इसका आंसर आएगा, आप कोई भी मेथड लिख सकते हैं, हमने तीन मेथड्स पढ़े हैं मेनली, तो आप कोई भी मेथड लिख सकते हैं, ड्रॉ टेबल लिख सकते हैं या इंसर्ट टेबल वाली ऑप्शन पे जाना है वो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शन? स्प्लिट सेल ऑप्शन किस लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज़ टू स्प्लिट द सेल इन द टेबल। स्प्लिट सेल्स करने के लिए ऑप्शन यूज़ होती है। नाउ नेम द ऑप्शन बाय विच यू कैन चेंज द कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को अगर आपने चेंज करना है तो क्या करोगे आप? आप टेबल प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन ओपन करेंगे और वहाँ से कॉलम विड्थ चेंज करेंगे, तो टेबल प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जाना है। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मर्ज सेल ऑप्शन? मर्ज सेल ऑप्शन किस लिए यूज़ होती है? मर्ज सेल ऑप्शन यूज़ होती है सेल्स या कॉलम्स को मर्ज करने के लिए यूज़ होती है, सेल्स को मर्ज करने के लिए। व्हाट इज़ ए डाटा सोर्स? डाटा सोर्स क्या होता है? डाटा सोर्स होता है जिसमें रेसिपियंट्स की लिस्ट होती है और जिसमें जैसे रेसिपियंट्स का नेम, एड्रेस, सिटी, टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ होता है जिसको हम मर्ज करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में, वो होता है डाटा सोर्स। व्हाट इज़ ए मेन डॉक्यूमेंट? मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो मेन पार्ट होता है लेटर का, बीच वाला पार्ट, ऊपर होता है एड्रेस वगैरह आता है, नीचे थैंकिंग यू वगैरह लिखा जाता है, तो बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेन डॉक्यूमेंट, मेन पार्ट ऑफ द लेटर इज कॉल्ड मेन डॉक्यूमेंट। नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मेल मर्ज?
मेल मर्ज क्या है, हमने लेसन में पढ़ा है मेल मेल मर्ज, आप वहीं से लिख सकते हैं। मेल मर्ज मैं आपको फिर भी एक बार समझा देती हूँ। मेल मर्ज क्या है कि अगर हमने सेम लेटर का मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजना है, डिफरेंट एड्रेस पे सेंड करना है, तो हम मेल मर्ज की ऑप्शन यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम सेम मटेरियल है पर हमने भेजना अलग अलग को है, तो हमें अलग हर बार अलग प्रिंट निकालना पड़ेगा, फिर से टाइप करेंगे नेम एड्रेस, फिर प्रिंट निकालेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए मेल मर्ज की ऑप्शन यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें स्टेप्स क्या हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से लेसन में से देख सकते हो, जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी आप वहाँ से उसके स्टेप्स देख सकते हैं। हाउ डू यू इंसर्ट ए टेबल इन योर डॉक्यूमेंट, टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, क्या मेथड है। सिर्फ एक मेथड आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सारे नहीं बताने हैं, तो कोई भी एक मेथड आप बता सकते हैं। फर्स्ट वाला बता दिए, चाहे सेकेंड वाला या थर्ड वाला। ठीक है जी, तो आपने इसमें ये बता सकते हो कैसे इंसर्ट करना है टेबल, कैसे डॉक्यूमेंट में टेबल लेके आना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक मेथड आपको दोबारा समझा देती हूँ। इसमें क्या होगा कि आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पे आप नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, जितने आपको चाहिए, तो वहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ए टेबल, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है जो लेसन है। ये देखिए, हमने लेसन में पढ़ा था अलाइनमेंट ऑफ ए टेबल, आप यहीं वाला लिख सकते हैं, सेम टू सेम आप लिख दीजिए अलाइनमेंट ऑफ टेबल में। प्लेस योर कर्सर एनी वेयर इन द टेबल, आप अपना कर्सर को कहीं भी लेके आइए टेबल में, जहाँ पे आपने अलाइनमेंट करनी है। ठीक है, फिर क्लिक द लेआउट टैब, फिर आपने ऊपर लेआउट टैब पे जाना है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बटन पे क्लिक करना है, तो टेबल प्रॉपर्टीज़ वाला ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये खुल जाएगा। तो इसमें से आपने टेबल टैब फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर लेनी है, वहाँ से आपने अलाइनमेंट फिक्स कर देनी है कि हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट करनी है, मतलब जो टेक्स्ट है वो उसको आप लेफ़्ट में रखना चाहते हो, सेंटर में या राइट में, तो वो आपने उस पर अलाइनमेंट दे देनी है और ओके पे क्लिक कर देना, तो आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी टेक्स्ट की। इसके अलावा आप राइट क्लिक करके भी टेबल पे टेबल के अलाइनमेंट कर सकते हैं, ऐसा बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जब आप क्या करेंगे, जब आप राइट क्लिक करेंगे। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।